नमस्कार दोस्तों, मुक्त का दुनिया में आप लोग को स्वागत। दोस्तों, ये अल्टर निंद्रा देखिए, डोरमेंसी में जाने के बाद क्या हाल है। इसका पत्ते उत्ते कुछ भी नहीं है, सारे को अभी केयर करेंगे, ध्यान देंगे, साफ करेंगे और इसका कटिंग लगाएंगे। सारे सही हो जाएगा फ्रेंड, तो फरवरी महीना आ ही गया, इस समय इसको सेवा करना है ताकि आगे 15-20 दिन के अंदर में ये बहुत अच्छा लगेगा देखने के लिए। तो फ्रेंड चलते हैं, इसको सफाई करते हैं। अब बारिश हो गया है फ्रेंड, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन भींग गया सब तरफ, तो कहीं कहीं बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगा बाहर में। इसीलिए हम सारे को जो वीडियो बनाना था सो बालकनी में उठा कर रख दिए, तो सोचे कि यहाँ पे हम करेंगे। उधर भीगा हुआ है, सूख रहा, देखिए देखिए उधर पानी है। तो फ्रेंड इसका करना क्या है, देखिए ये देखिए, ये सब तो सूख गया फ्रेंड। जो जो सूखा है उसको तो सफाई करना ही है ना फ्रेंड। ये देखिए जो जो सूख गया है, ये सबको कैंची से काटना पड़ेगा फ्रेंड, नहीं तो गाछ उखड़ जाएगा, टूटता नहीं है देखो। तो हम ये सबको कैंची से काटते हैं फ्रेंड। और इसको देखिए, ये जो है रेड वाला है, ये ग्रीन वाला है, ये रेड वाला देखिए ऐसा है। तो और इसका देखिए, ये जो गिलास में रखे थे उसमें भी क्या हाल में है। सारे को अभी हम सही बनाएंगे फ्रेंड। और कहीं कहीं गमला खाली करने के लिए ये सब में हम रखे हुए थे, तो इस सब को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, खाली कटिंग निकालेंगे फ्रेंड इस तरह। पर सबसे पहले तो हम इसको कटिंग कर देते हैं फ्रेंड, एक टाइप का करके तो सारे निकाल आएगा। तो देखिए हम एक ठो कप को करके दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह कटिंग कर लेंगे और उस सबको भी हम लगा देंगे। इसका भी हम कटिंग करेंगे फ्रेंड, जितना कटिंग होगा ना फ्रेंड सारे को जो है ना हम सब लगाएंगे फ्रेंड। हम कटिंग से लगा के दिखाते हैं। और पुराना भी होता है तो कैसे इसको फिर लगाते हैं वो भी दिखाते हैं। और इसका मिट्टी हम बता रहे थे फ्रेंड, आपके पास जो भी है, सबके पास तो एक चीज रहता नहीं है फ्रेंड, तो पत्ते का खाद, जो किचन वेस्ट का खाद, ये सब। और उसके बाद थोड़ा गार्डन में मिट्टी रहता ही है और थोड़ा बालू, बस ऐसे मिक्स करके थोड़ा गोबर खाद, ये सब मिला करके मिट्टी को तैयार करो। उसके बाद में उसी में ये पौधा को लगा दो। बस शुरू में लगा करके जो कटिंग अगर लगाएंगे फ्रेंड, थोड़ा छाया तरफ में रख देंगे, डायरेक्ट धूप नहीं लगाना है, जैसे हर पौधा में करते हैं इसी तरह इसको भी करना है। उसके बाद में जब ये अंदाज आपको आ ही जाएगा कि इसका जड़ी लग गया, ये पौधा तैयार हो गया, तो आप सामने में रख दीजिए। देखिए फ्रेंड इस पे लग गया, इसमें जो सूखे पत्ते सब होगा, कुछ फालतू चीज होगा वो हम झाड़ के निकाल देंगे। ये देखिए पत्ते सब था, हम इसको साफ कर देंगे फ्रेंड बाद में। ये देखिए ये पीडियाश्योर का डब्बा है, उसमें हम लगा कर रखे थे फ्रेंड। गमला खाली करना था, क्या गमला खाली नहीं करने से फिर हम कैसे इतना गमला यूज करेंगे कहाँ से, इसीलिए ये देखिए ऐसे रखे थे। तो अभी हम लगाएंगे ये गमला में फ्रेंड, इस गमला में हम लगाएंगे। ये पुराना मिट्टी है, ये पुराना मिट्टी में ही हम अभी कटिंग को लगाएंगे। इसमें थोड़ा गोबर खाद डाल देंगे और कुछ भी नहीं डालेंगे फ्रेंड, ऐसे मिट्टी मेरे पास बना हुआ है, इसमें सिर्फ गोबर खाद हम मिलाएंगे फ्रेंड। मिट्टी मेरे पास बना हुआ है,
इसको थोड़ा सा मिट्टी मिलाएंगे। इसमें बालू मिला हुआ है फ्रेंड, और किचन उसका जो होता है मिट्टी खाद सारे मिला हुआ है। देखिए जो प्याज लहसुन का छिलके सब भी है, प्याज के छिलके भी है, तो इसमें ज़्यादा कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। और देखिए हम गोबर खाद डाल रहे हैं, दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और इसमें बीच बीच में तो हम लिक्विड खाद देते ही रहेंगे फ्रेंड। देखिए गोबर खाद हम मिला दिए, तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, या मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। हम सीधा साधा गार्डनर है फ्रेंड, मेरे पास उतना तामझाम नहीं है, और अगर कीड़ा मकड़ा के लिए शुरू हम सांप थोड़ा खरीदे थे, उसके बाद हम फ्रेंड लहसुन के छिलके यूज करते हैं। उसके बाद में स्प्रे के लिए पुराना मेरे पास जो विनेगर एक्सपायरी हो गया था उसका पानी मिलाकर स्प्रे करते हैं। उसके बाद फ्रेंड हम वो भी करते हैं, हल्दी जो है हल्दी भी यूज करते हैं। अब दिखाते हैं आपको बंदर, देखिए मेरा बंदर कितना प्रॉब्लम करता है, वो देखिए, देखते हैं फ्रेंड हम, और देखिए बंदर जब भी लगता है बंदर बहुत हमला करता है फ्रेंड। हम आलू लगाए थे, वो आलू को खोद के खा रहा, देखिए फ्रेंड ये देखो उस साइड में, देखिए फ्रेंड वो देखिए, देख रहे फ्रेंड कैसे बंदर कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। देखिए फ्रेंड बंदर दिख रहा है आपको, देखिए भाग रहा है गेट तरफ, देखिए देखिए फ्रेंड देखिए दोस्तों मेरा गेट में बैठा हुआ है, देख रहे हैं बहुत परेशान करता है। जब 10-12-20 आता है ना फ्रेंड, पूरा तहस नहस कर देता है। देखिए दोस्तों ये हो गया कटिंग्स, इसमें से जो हम कट के निकाल लिए हैं फ्रेंड, ये देखिए ये सब सूखा हुआ है, कुछ है अच्छा भी है, निकाल लेंगे फिर। और इस पे हम अभी ये कटिंग को लगाएंगे, थोड़ा गोबर डाल दिए हैं, और इस पे थोड़ा सा पहले हम पानी डालेंगे फ्रेंड, तो पानी लगाने के बाद ना अच्छा से लगेगा। ये देखिए तो मिट्टी अच्छे से बैठता है, देखिए थोड़ा ऊपर से हल्का सा मिट्टी और डाल देंगे। फ्रेंड कैसा लगा मेरा ये वीडियो बताइएगा,
और देखते देखते लाइक दे दीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा हुआ। ये देखिए मैंने इतना सारे कटिंग है, हम अब इसको इसमें डालते हैं और डाल के आपको दिखाते हैं। देखिए घना घना देंगे फ्रेंड, इतना सारे है ही तो क्या करेंगे। देखिए ये पूरा गोल होके भर आएगा फ्रेंड, और इस तरफ आजकली देना है। और आप लोग को हम बता दिए मिट्टी कैसे दिए हम, बालू है, मिट्टी है, थोड़ा किचन वेस्ट का मिट्टी मिला हुआ है फ्रेंड, और गोबर खाद है। देखिए फ्रेंड ये सब जो है ना इतना सुंदर से लगेगा देखने के लिए, गोल होके भर जाएगा। एक बार लाइएगा ना फ्रेंड, 10 रुपया का थोड़ा सा 4-5 पौधा देता है, और उसके बाद में उसको इतना अच्छा मतलब पौधा होता है कि ये खराब भी नहीं होता, मतलब सारे साल रह जाता है। एक बार लाने के बाद फिर मरता नहीं है, इसे मरने वाला चीज नहीं है, हार्डी प्लांट होता है ये, तो जमीन में भी लगा हुआ रहता है। हम लोग बचपन में लगाए हैं जमीन में, वो खत्म हो जाता था फिर उग जाता था जब से इसका समय होता था फ्रेंड। तो हम इसको लगाते हैं फ्रेंड, तब दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरा अल्टरनेंथ्रा सब लगा लग गया है, ये ग्रीन और रेड मैंने मैरून कलर का है। इसका पत्ते सब देखिए ऐसा हो जाता है, ये देखिए सारे को हम कटिंग भी लगा दिए। ये कटिंग लगाए हैं फ्रेंड, ये सबको कटिंग्स लगाए, ये पुराना पौधा सब है, ये पुराना है, तो ये सब का भी कटिंग कर दिए हैं, इसमें से कटिंग ये सब में लगा दिए हैं। तो फ्रेंड मेरे पास और है तो अभी पानी डाल देते हैं, अभी तो मौसम ठीक है, कहीं भी रख देंगे चलेगा फ्रेंड, क्योंकि बारिश हुआ था ना, बादल किया हुआ है, तो अभी हम यही छोड़ देते हैं, जब धूप आर होगा तो अभी हम हटा देंगे। तो फ्रेंड मेरा अल्टरनेंथ्रा कैसा हुआ बताइएगा, और देखिए डोरमेंसी में जाने के बाद कैसा हो जाता है, और उसके बाद फिर देखिए अभी गर्मी आ रहा है, अभी से हम कटिंग कर दिए, अब बहुत जल्दी ये रिकवर कर देगा और सुंदर भी लगेगा देखने के लिए। ऐसे भी पूरा मार्च टाइम है, लेकिन जल्दी देंगे तो जल्दी सही होगा। तो फ्रेंड उसके बाद में और हम वीडियो लेकर अच्छा अच्छा आ रहे हैं, सबको कटिंग करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, खाद देंगे, सब अलग अलग बहुत सारे होगा फ्रेंड। सो बने रहिएगा, और आगे के लिए भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, और लाइक तो जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और प्यारा सा कमेंट करके बाय बाय, कमेंट जरूर प्यारा सा करिएगा। बाय फ्रेंड, इतना देर रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।